कि ये जो इस वक्त जो मैं कॉपी चेकिंग कर रहा हूँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी वन ईयर जो है दो पीरियड बच्चों के साथ रियली में इनजस्टिस में बड़ा मेजर फर्क ये है कि ग्रेस मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलता है। लास्ट ईयर का रिजल्ट आपके साथ पास कितने हुए, केवल 47.5, यानी कि बिलो 50% रिजल्ट आता है। एवरीवन, कंपार्टमेंट को लेकर एक रियलिटी है, आपको ये चीज नहीं बताया गया अभी तक, आपको किसी ने नहीं बताया और पता नहीं क्यों नहीं बताया, लेकिन आपको नहीं बताया तो ये आपको आगे चल के नुकसान कर सकता है। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ वो बातें शेयर करूंगा जो कंपार्टमेंट को लेकर शायद आपके साथ किसी ने शेयर किया हो, और मैं इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि मैं यहां पे कंपार्टमेंट को पिछले एक साल से नहीं बल्कि यहां पे 4 से 5 ईयर से कवर करता आ रहा हूं। तो हर साल यहां पे बच्चे पास होते हैं और बच्चे यहां पर अगेन कंपार्टमेंट भी लेके आते हैं, तो वो कौन सी गलती होती है जिसके कारण यहां पे कंपार्टमेंट में बच्चे कम पास होते हैं, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, वो प्रूफ दिखाऊंगा जो अभी तक आपको किसी ने शेयर नहीं किया। तो कंपार्टमेंट को लेकर आज वो सारे तरीकों पे बात करेंगे कि कैसे आप जो है यहां पे 2024 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो सकते हैं, क्योंकि हम यहां पे टाइम फ्रेम को लेकर बात करें तो 7 डेज के पास आपके पास जो है यहां पे टाइम बचा है, 10 के पास भी सेम टाइम यही है और 12 के पास भी सेम यही टाइम है, आपके पास केवल जो है 7 डेज का टाइम है। 15 जुलाई से आप लोग के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो 10 और 12 के सभी बच्चे इस वक्त जो है यही चाहते हैं कि वो पास हो। तो वो कैसे पास होंगे, कुछ तरीके हैं, तो मैं आपके साथ जो है यहां पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि आपके साथ जो है टोटल 5 वो आपके साथ वो तरीके शेयर करूंगा, 5 वो इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगा, 5 वो इंपॉर्टेंट आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जिस प्रूफ को जानने के बाद जो है आपका जो माइंडसेट है ना वो बदलेगा और शायद आप में से काफी सारे बच्चे जो इस पर गलती कर रहे होंगे ये गलती आप करने से बचेंगे, और अभी भी आप जो है अगर बच लेंगे यानी अभी भी आप अलर्ट हो जाएंगे मेरी बातों से तो ये 7 डेज में भी आप काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे यहां पे पास होने के लिए पूरे 80 में से 80 नहीं लाने, आपको पास होने के लिए केवल 26 मार्क्स चाहिए और 10 के बच्चों को तो केवल 20 मार्क्स ही चाहिए, 20 मार्क्स लाकर भी वो इजीली पास हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे बात करेंगे, कंपार्टमेंट एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना ये जरूरी है क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा तभी आपका वन ईयर बचेगा, क्योंकि अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में चले जाएंगे तो ये आपका नेक्स्ट ईयर होगा यानी वन ईयर, समझ सकते हैं। तो यहां पे जो है सीधी सीधी बातें करते हैं, जल्दी से यहां पे जो है आप लोग भी वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि आपको एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरीके से आप लोग को और ज्यादा हेल्प करने के लिए। तो जल्दी से यहां पे वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहली बातें जो आपको इस बार कंपार्टमेंट में फॉलो करना है और आपको कंपार्टमेंट में ध्यान रखना है, ये 7 डेज में सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की वो तो ठीक है, लेकिन इन 7 डेज में आपको बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है और यहां पे जो है ये चीजें, यहां पे ये वाला वर्ड देख रहे हैं ना, मोटिवेशन, इसकी भी जरूरत है। कंपार्टमेंट एग्जाम मुझे पता है आप में से काफी सारे बच्चों के साथ रियली में इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोग के कमेंट्स देखे थे, आप में से काफी सारे बच्चे हैं जिन्हें 1 नंबर से 2 नंबर से कंपार्टमेंट आ गया है और वो तैयारी कर रहे हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका यहां पे 1 से 5 नंबर से, यानी कि सिर्फ 1 से 5 नंबर से कंपार्टमेंट आया है, और बल्कि सीबीएसई बोर्ड बार बार कहती है कि यहां पे जो है यहां पे 5 नंबर जो है ग्रेस के रूप में यहां पे बच्चों को हमने दिया था, तो ये 5 नंबर जो है सीबीएसई क्लेम करती है ग्रेस को लेकर, और आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो यहां पे 1 से 5 नंबर से फेल हुए। तो यहां पे वो सारी चीजें, तो अब जो चीजें हो गई है वो तो हुई है, लेकिन इस वक्त जरूरी है आप लोग के पास ये दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपके सामने, यानी कि मैं यहां पे हार्डवर्क तो सभी कर रहे हैं लेकिन ये वाला वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही इस चीज की कमी जो है आपके अंदर सबसे ज्यादा होती है, यानी बोर्ड के बच्चों के अंदर जो है इस चीज की कमी नहीं होती, मोटिवेशन उनके अंदर भर भर के होता है, लेकिन कंपार्टमेंट के बच्चों के अंदर मोटिवेशन की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है। आपको मोटिवेट यहां पर होने की जरूरत है और हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप लोग को मैं रियलिटी दिखा रहा हूं, ये रियलिटी देखकर शायद आप में से काफी सारे बच्चों का माइंडसेट बदले। ये आपके साथ कोई शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि रियलिटी आपको पता होना चाहिए। कंपार्टमेंट का लास्ट ईयर का रिजल्ट आपके साथ दिखाना चाहूंगा। लास्ट ईयर जो है यहां पे 1.20 लाख से ज्यादा यहां पे स्टूडेंट्स जो है टोटल स्टूडेंट्स थे इस बार जो कंपार्टमेंट में यहां पे अपीयर हुए थे, एग्जाम दिए थे, लेकिन पास कितने हुए आप लोग यहां पे देखिए, पास कितने हुए केवल 47.5, यानी कि बिलो 50% रिजल्ट आता था, यानी कि अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया था तो बिलो 50% यानी मोर देन 50% बच्चे यहां पे फेल हो गए थे। तो ये चीज आपके सामने यहां पे पता होना चाहिए, और ये फेल क्यों हो रहे हैं आपके अंदर इसके बाद भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये फेल क्यों रहे हैं, क्या कॉपी चेकिंग हार्ड होती है या फिर क्या पेपर हार्ड होता है? तो पेपर भी सेम आपका जो है बोर्ड का लेवल का होता है और कॉपी चेकिंग भी सेम बोर्ड की लेवल की होती है, लेकिन कॉपी चेकिंग यहां पे थोड़ा बोर्ड के लेवल से थोड़ा टफ हो जाती है क्योंकि कॉपियां कम होती है, और इस बार जो है यहां पे कॉपियां कम तो होती है, और जैसे कि एक चीज मैंने आपको फर्स्ट डे से ही कहा था, और ये सारी चीजें जो है आपके साथ कोई नहीं बताता, लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूं, तभी आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा
मेहनत की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। तो यहाँ पे समझिएगा बोर्ड में और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट में बड़ा मेजर फर्क ये है कि ग्रेस मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलता है आपको। बोर्ड में अगर आपको नहीं मिला तो यहाँ पे तो और भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको रियलिटी समझना है, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है और यहाँ पे कॉपियाँ जो है कम हो जाती है। वहाँ पे जो है लाखों में करोड़ों में कॉपियाँ होती है और यहाँ पे कॉपियाँ जो है हजारों में हो जाती है। तो टीचर के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, तो एक कॉपी को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से चेक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर यानी कंपार्टमेंट में जो है एक भी एक्स्ट्रा नंबर आप लोग को जो है यहाँ पे जो फ्री के नंबर, जैसे कि बोर्ड में क्या होता है जल्दी जल्दी कॉपी चेकिंग में कई बार जो है यहाँ पे आपके जो है एक दो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और वो चीज़ जो है वहाँ पे देखी नहीं जाती दोबारा, क्योंकि कॉपियाँ ही इतनी सारी होती है कि एक बार जो है कॉपी चेक हो गई तो उसको दोबारा रीओपन किया जाता। यहाँ पे जो है कंपार्टमेंट की कॉपी जो है आपकी एक बार चेक होती है, फिर दो बार चेक होती है और लास्ट में आखिरी वेरिफिकेशन भी होता है। तो यहाँ पे जो है सीबीएसई बोर्ड का जो ये वाला तीन बार जो तीन स्टेप की जो चेकिंग है वो इसलिए की जाती है ताकि आपके साथ फेयर डिसीजन हो सके, यानी कि आपने जितना लिखा है उतना ही नंबर आपको मिल सके। लेकिन इसके साथ जो है यानी कि तीन बार चेकिंग के साथ अनफेयर भी चीजें आपके साथ हो जाती है। यहाँ पे जो है जैसे कि काफी सारे बच्चों को जो है यहाँ पे एग्जाम जब देते हैं तो सबके लिए पेपर इजी नहीं होता, किसी के लिए हार्ड भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर वो कुछ भी लिख के आ जाते हैं तो वहां पे नंबर जो है उनको कुछ भी लिखने के जो नंबर है वो मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो काफी सारी रियलिटी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इन 7 डेज में भी अगर आप लोग सीरियस होंगे तो आप लोग को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। टारगेट कितना लेके चलना है, 80 में से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो टारगेट आपका जो है 80 में से कितना है, 80 में से आपको लाना है 26। लेकिन आप लोग जो है 26 को लेकर मत टारगेट में बैठिएगा, क्योंकि 12th के लिए हार्ड और हो जाता है कंपार्टमेंट का एग्जाम। तो 26 का टारगेट है, तो यहां पे जो है अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर 40 का टारगेट लेके चलिए। मैं तो कहूंगा 40 का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि 40 में का आपका टारगेट लेके चलेंगे 35 भी आता है 30 भी आता है तो आप पास रहेंगे। तो ये चीज आपके लिए जरूरी हो जाता है। 10 के स्टूडेंट्स है तो 10 का एग्जाम सेम जो है आपका 80 का होगा, लेकिन आपका टारगेट जो है 20+ का टारगेट लेके चलिएगा, क्योंकि क्या पता 20 में से आपके 20 ना पाए, आपके जो है 19 आ जाए 18 भी आ जाए। अगर आपका 18 भी आ जाए और टीचर्स ने आपको 15 दे रखा होगा तो 15 और 18 यहां पे हो जाता है टोटल 33 नंबर, तो आप लोग पास रहें। तो ये चीजें जो है बेहद जरूरी होने वाला है। तो यहां पे पहली तरीके है, दूसरे तरीकों पे बढ़ते हैं। इस बार जरूरी है कि आपका इन 7 डेज में आप लोग जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं आपको कहूंगा कि कुछ चीजें यहां पे करिए ना करिए, लेकिन ये चीज पहले करिए। यहां पे जो है 3 से 4 यूनिट या फिर चैप्टर आपको सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। यानी दूसरा जो यहां पे प्रो टिप्स आपके सामने मैं यहां पे शेयर करना चाहूंगा, कम से कम 3 से 4 चैप्टर को पहले कंप्लीट करिए पूरा चैप्टर करने के बजाय। यानी ऑल चैप्टर तो आपको करना ही है, ऑल सिलेबस तो आपको करना ही है, लेकिन पहले 3 से 4 यूनिट को बहुत ही अच्छी तरीके से करिए, ताकि जो मैं आपको अभी जो बताया ना कि आपका जो टारगेट है ना 40 वाला या फिर 35 वाला, ये जो है आप लोग का पहले यहां पे 100% होना चाहिए। डायरेक्ट जो है 80 का मत लेके चलिए कि मैं पूरा 80 का ही एग्जाम करूंगा। 80 का आपको टारगेट तो लेके चलना है, लेकिन पहले आपको जो है जो 100% जो कंप्लीट रखना है वो आपको इतना कंप्लीट तो एटलीस्ट रखना ही है, ताकि आप लोग पास से ऊपर रहे। तो ये चीज जरूरी है। तीसरा तरीका आपके सामने मैं अगेन शेयर करूंगा, कंपार्टमेंट का एग्जाम जो इस बार होने वाला है इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेम बोर्ड की तरह इंपॉर्टेंट रहेगा और इस बार और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि ऑल की ऑल क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपियां जो है यहां पे चेकिंग जो करते हैं वो एग्जामिनर करते हैं, और आपको ये चीजें अच्छी तरीके से मालूम है कि हर एक एग्जामिनर जो है यानी हर एक एग्जामिनर जो है रीड नहीं होते। कई सारे एग्जामिनर जो है यहां पे सॉफ्ट यहां पे माइंड के भी होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, उनको पता है कि ये जो इस वक्त जो मैं कॉपी चेकिंग कर रहा हूं ये वो स्टूडेंट्स है जिनकी 1 ईयर जो है दौड़ पे लगी है, ये वो स्टूडेंट्स है जिनकी जो है कंपार्टमेंट आई हुई है। अगर मैं इनको यहां पे 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से यहां पे इनको अगेन अगर रहने देता हूं तो इनका 1 ईयर पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो यहां पे जो है आपको जो है अपने तरफ से एक भी चीजों को कम नहीं करके चलना है, अपने तरफ से जितना कोशिश है आपको पूरा करना है। बाकी तो यहां पे आपका लक पे डिपेंड करेगा, बाकी डिपेंड करेगा कि आपने लिखा क्या है, बाकी डिपेंड करेगा यहां पे गॉड पे, लेकिन अपने तरफ से पूरा बेस्ट दीजिएगा। तो मैं आपको कहूंगा सारे के सारे क्वेश्चन जरूर अटेंड करिएगा, ये आपके लिए प्रो टिप्स होगा। ये प्रो टिप्स इसलिए भी होगा क्योंकि ऑल क्वेश्चन अटेंड किए रहेंगे, तो आपको अगर आधे आधे करके भी नंबर आपको मिलता है ना, यानी कि आपके जैसे मान लिया जो है 20 नंबर आपके जो है आपके वो बड़े क्वेश्चन से आ गए जो आपको आते थे, 20 नंबर आपके वो वहां से नंबर आ गए जो आपको क्वेश्चन आते थे, और आधे आधे करके बाकी क्वेश्चन में भी आपको मिल गया, और यहाँ पे आधे आधे करके आपको पता है यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन अगर आपने आधे आधे नंबर का किया है तो 20 में से इनडायरेक्टली आपके 10 नंबर वहां से हो गए, तो 20+10 यानी कि आपके जो है इजिली 30 नंबर यहाँ पे हो गए। तो पासिंग नंबर तक पहुंचने के लिए आपको हर एक प्रयास करना है, हर एक आपको कोशिश करना है, तो ये चीजें भी जरूरी है। और आखिरी में यहाँ की चौथा तरीके की बात करें, काफी सारे आप लोग के कमेंट्स भी थे क्या सैंपल पेपर करना जरूरी है, क्या मुझे ये कंपार्टमेंट में सैंपल पेपर अगेन करना चाहिए। तो आपने जो भी सैंपल पेपर खरीदा हो, चाहे आपने PW खरीदा हो, ओसवाल खरीदा हो, एडुकार्ड खरीदा हो, या फिर आपने जो भी पब्लिशर खरीदा है, सैंपल पेपर आपको करना क्या जरूरी है, तो मैं कहूंगा सैंपल पेपर जरूरी है, सैंपल पेपर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो पैटर्न होगा
होगा, यानी कि जो बोर्ड का पैटर्न था ना आपका, जो सीबीएसई बोर्ड का जो आपने एग्जाम दिया था, तो वो सेम पैटर्न यहां पर भी होने वाला है। तो पैटर्न सेम है, तो आपको जो है सैंपल पेपर जरूर करना चाहिए, क्योंकि सैंपल पेपर से आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। आपने जो है सारे यूनिट कर लिए, सारे चैप्टर कर लिए, अब वो यूनिट आपने कितनी अच्छी तरीके से किया है, वो चैप्टर आपको कितना अच्छी तरीके से आता है, ये पता आपको जो है कैसे चलता है, ये पता आपको सैंपल पेपर करने से पता चलता है कि सैंपल पेपर के क्वेश्चंस मैं क्या कर पा रहा हूं खुद से। तो सैंपल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी, तो प्रैक्टिस समझ के जो है सैंपल पेपर जरूर करिएगा। और आखिर में कहूंगा पीवाईक्यू को भी देख लीजिएगा। वैसे पीवाईक्यू को लेकर बात करें तो पीवाईक्यू का जब आप लोग पेपर देखने जाएंगे तो आपको जो पीवाईक्यू में एक चीज आपको देखने को मिलेगा हर साल, यानी कि बात करें आपके पिछले साल, उससे पिछले साल, तो पैटर्न काफी ज्यादा यहां पे 2020 के बाद जो है काफी ज्यादा पैटर्न में चेंज आना शुरू हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, क्योंकि कॉम्पिटेंसी जो है आप लोगों को पता है कॉम्पिटेंसी का जो है यहां पे सबसे बड़ा जो है यहां पे रोल जो है यहां पर है, जिसके कारण पेपर का पैटर्न लगातार चेंज होता रहा है। तो पीवाईक्यू करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू करते समय वो क्वेश्चंस मत करने लगिएगा जो सिलेबस में नहीं है, या वो क्वेश्चंस मत करने लगिएगा जो कॉम्पिटेंसी लेवल का नहीं है। तो यानी कि आपको जो है पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन पीवाईक्यू में जो है कंफ्यूजन भी है। तो मैं कहूंगा पीवाईक्यू आप लोग करेंगे तो पीवाईक्यू जो है आप लोग चैप्टर वाइज करिएगा, यानी कि जैसे कि आपने समथिंग कुछ भी एक चैप्टर कर लिया तो उस चैप्टर के आप लोग पीवाईक्यू में जाइएगा और देखिएगा कि उस चैप्टर से पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो केवल एक डेडिकेटेड जो है यानी कि आपका जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठाइएगा, ना कि आपको जो है पूरा करने लग जाए। तो ऐसे भी जो है नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस में काफी सारा चेंजेस है। आप लोग पीवाईक्यू का पेपर देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस हो गया है इस साल के लिए, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस जो है आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, क्योंकि पहले वो टॉपिक में था लेकिन आपके टाइम पे वो हट गया। तो ये काफी सारी चीजें अब यहां पे हुई है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा। और आखिर में आपको कहूंगा ये पांच तरीके जो मैंने आपको बताया इसको फॉलो करिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको इस तरीके से हेल्प करता रहूंगा। तो आपको यहां पे किसी चीज को लेकर टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको अपना बेस्ट देने से भी आपको पीछे नहीं हटना है। तो अपना बेस्ट दीजिएगा, बाकी मैं आपको पूरा कंप्लीट आगे भी हेल्प करता रहूंगा। कंपार्टमेंट को लेकर आप लोग को अगेन मैं कहूंगा मोटिवेट रहिए, और अच्छा पेपर आप करके आएंगे तो आप पास भी होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पास नहीं होते बच्चे, यहां पे पास होते हैं, बस जरूरत होती है अपने अंदर यहां पे अपने अंदर वो जज्बा लाने की, अपने अंदर वो हिम्मत लाने की, और अपने पे बिलीव करने की कि हां मैं यहां पे पास हो सकता हूं। तो अगर आपके अंदर वो जज्बा होगा, आपके अंदर वो मेहनत होगा, डेडिकेशन होगा, तो आप इजीली पास होंगे। एक सब्जेक्ट का ही एग्जाम आपको देना है, आप में से काफी सारे बच्चे एक का होगा, दो वाले एक बार कमेंट करके बताइएगा, दो सब्जेक्ट वाले कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पे जो है आप लोग को एक या दो ही देना है, और ये 7 डेज इनफ है, इन 7 डेज में आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जरूरी है आप लोग को यहां पे जल्दी से जल्दी जाइएगा और सारी चीजों को तैयारी करिएगा, और आगे यहां पे आगे भी मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल यहां पे जरूरी है इन टाइम को, एक एक सेकेंड को यहां पे यूज करिए। आगे मैं आपको जो बताऊंगा, गॉड से भी मेरा प्रे रहेगा कि आप सभी स्टूडेंट्स यहां पे पास हो। मैं यहां पे स्पेशली प्रे करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इनके साथ यहां पे इनजस्टिस हुआ है, और मुझे पता है कि इस बार एक दो नहीं, यहां पे लाखों स्टूडेंट्स हैं इस बार जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स पास हो, और आप लोग भी अपने तरफ से पूरा बेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में। जय हिंद।